हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीपी दुबे फ्रॉम मास्टर माइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल हतवास। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू लेसन वन ऑफ योर इंग्लिश रीडर। द नेम ऑफ लेसन वन इज नीमाज स्माइल। बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन वन पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ एक है और इस लेसन वन का नाम है नीमाज स्माइल। यानी स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। बच्चे मुस्कुराते हैं ना, तो मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल। SMILE स्माइल माने मुस्कुराना। बच्चों, कुछ बातें उससे पहले हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आप सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू स्माइल। कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिससे हम मुस्कुराते हैं या जिसे देखकर हम मुस्कुराते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें मुस्कुराने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरी आपकी लिखी है, हाउ डज योर फेस लुक लाइक व्हेन यू स्माइल। जब आप मुस्कुराते हो तो आपका चेहरा जो है उस समय कैसा नज़र आता है, कैसा लगता है आपके चेहरे पर। थर्ड बात इसमें पूछी गई है, व्हेन आर यू लाइक मोस्ट बाई ऑल, व्हेन यू स्माइल और व्हेन यू फ्राउन। आस्क योर फ्रेंड एन आंसर। जब भी कभी आप सभी के द्वारा अच्छे लगते हैं या पसंद किए जाते हो, जब तुम हंसते हो यानी जब आप मुस्कुराते हो या थोड़ा सा रोष में आ जाते हो, तब आप अपने मित्रों से पूछें कि आप कैसे लगते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स यू एंग्री। बच्चों, आपको गुस्सा दिलाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। और नीमा इज बरीड अबाउट द मंकीज, और इस पाठ में मंकी के बारे में है। नीमा मंकी के विषय में चिंतित है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस दैट ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन नीमाज फेस। आइए हम पढ़ते हैं कि वो कौन सी घटना है जिसके कारण नीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कौन सी घटना है जिसके कारण नीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लेसन फ्रॉम हेयर। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देयर आर मंकीज रनिंग लूस, स्क्रीम्ड जीनी। जीनी चीखने लगी और कह रही थी, देयर आर मंकीज रनिंग लूस, बंदर खुले घूम रहे हैं। मंकी माने बंदर, खुले घूम रहे हैं। रशिंग इन टू द स्कूल प्लेग्राउंड, आई हर्ड मैम्स सेज सो। और जिनी ने कहा कि मैम ने ऐसा कहा है, मैंने सुना है कि अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में बंदर खुले घूम रहे हैं। दे हैव रन अवे फ्रॉम द मंकी ट्रेनर ऑफ द सर्कस दैट हैज कम टू टाउन। और ये मंकी ट्रेनर से छूट करके और एक सर्कस आया है टाउन में, वहां से ये भाग कर आए हैं। दे हैव रन अवे फ्रॉम द मंकी ट्रेनर ऑफ द सर्कस। नीमा, ओ हाउ टेरिबल, बोले कितना दुखद बात है। हाउ टेरिबल जिनी, द स्टाफ हैज सेंट फॉर मैन विद स्टिक टू स्केयर द बैड मंकी। हमारे स्कूल के स्टाफ ने एक व्यक्ति को, स्टाफ ने कुछ व्यक्तियों को, एक को नहीं है, कुछ व्यक्तियों को स्टिक लेकर के बंदरों को डराने के लिए बुलाया है। हमारे स्टाफ ने कुछ व्यक्तियों को बंदर को डराने के लिए बुलाया है। आई वुड लाइक टू सी देम रनिंग अवे,
मैं उन्हें भागता हुआ देखना चाहती हूं। नीमा कहती है, आई थिंक इट इज हॉरिबल टू सेंड मैन विद स्टिक टू स्केयर। मुझे लगता है कि व्यक्ति को वहां लकड़ी लेकर भेजना बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि ये जो बेचारे बंदर, इनको डराना अच्छी बात नहीं है। द पुअर मंकी, दे माइट बी स्केयर्ड एंड लॉस्ट, दे माइट इवन बी हंग्री, आई एम श्योर दे विल नॉट हर्ट एनी वन, जिनी लाफ्स एंड सेज। तो यहां पर नीमा ने कहा कि ये जो बंदर हैं, दे माइट बी स्केयर्ड, इन्हें डराया जाए और यहां से खदेड़ा जाए, दे लेकिन दे माइट इवन बी हंग्री, वो भूखे हो सकते हैं। आई एम श्योर दे विल नॉट हर्ट एनी वन, मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि ये बंदर किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जिनी इस बात को लेकर हंसती है और कहती है, ऑल राइट व्हाई डोंट यू गो एंड हेल्प द मंकीज, ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं चली जाती मंकी के पास, जाओ और उनकी मदद करो। नीमा कहती है, आई एम सर्टेन दैट दीज मंकी विल नॉट हर्ट एनीवन, मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि ये मंकी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। हर्ट मने चोट पहुंचाना। इन फैक्ट आई एम अफ्रेड दैट दे माइट गेट हर्ट, बल्कि मुझे लगता है कि ये अपने से हर्ट हो जाएंगे, यानी अपने से इनको चोट लगेगी, बल्कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जीनी कहती है, देन गो एंड शेक हैंड विद दोज मंकीज, अगर ऐसा लगता है तो नीमा आप जाओ और जाके मंकी से हाथ मिला के बताओ। नीमा कहती है, आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीवन चेस एंड स्केयर देम, मैं किसी बंदर को भगाने नहीं जा रही और किसी को डराने नहीं जा रही। जीनी कहती है, देन गो एंड फीड एंड टेम देम, जीनी कहती है जाओ खिलाओ उसको और पाल के बताओ, उसको पालतू बना के बताओ। नीमा बिकम्स क्वाइट, नीमा शांत हो जाती है। शी वांट्स टू टेल जीनी That once she had given a banana to a monkey and the monkey sat down next to her for a long time, suddenly an idea strikes her. नीमा शांत हो जाती है बच्चों, नीमा शांत हो जाती है और शांत हो करके और फिर नीमा के विचार आता है मन में कि एक बार उसने एक मंकी को एक बनाना दिया था और मंकी उसके पास बैठ गया था, ये विचार उसके मन में आता है। शी हैज टू बनाना इन हर बैग, उसके बैग में दो केले थे। हर मदर हैज गिवन देम टू हर फॉर लंच, नीमा की माँ ने लंच के लिए उसको केले दिए थे। शी टेक्स आउट दोज बनाना एंड रन्स टूवर्ड द प्लेग्राउंड, वह बनाना लेती है और प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ती है। शी आस्क सैम, और वो शैम से कहती है, डिड यू सी द मंकीज, क्या आपने मंकी देखे हैं, कहाँ है वो, इन विच डायरेक्शन डिड दे गो, वो किस दिशा में गए हैं। नीमा, थैंक यू शैम, और फिर शैम बताता है कि वे झूले की तरफ गए हैं। वेल दे वेंट टूवर्ड द स्विंग, वे झूले की तरफ गए हैं। इस बात को लेके नीमा सैम को थैंक यू बोलती है। फिर सैम कहता है, गो केयरफुली नीमा, द मंकी माइट हर्ट यू, नीमा गोज टूवर्ड द स्विंग, और सैम नीमा से कहता है कि नीमा बड़ी सावधानी से जाना,
हो सकता है कि ये जो मंकीज हैं ये आपको चोट पहुंचा दें। लेकिन नीमा झूले के पास जाती है। व्हाट सी सीज मेक्स हर अनहैप्पी, लेकिन वो जो वहां पर जाकर कुछ देखती है उस बात को लेकर दुखी हो जाती है। द टू मंकीज आर हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, दे लुक सैड। दो बंदर ऐसे थे जो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वो बहुत ही दुखी दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे बच्चों? दुखी। नीमा लुक्स एट देम, नीमा उनको देखती है। पुट्स द टू बनानाज ऑन द स्विंग एंड हाइड्स बिहाइंड ए बिग ट्री। और दो केले जो नीमा के पास थे वो केले लेकर के झूले पर रख देती है और फिर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाती है। द मंकीज कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेस। जो बंदर थे वो अपने छुपने वाले स्थान से बाहर निकल कर आते हैं। बच्चों बंदर पहले छुप गए थे लेकिन फिर वो निकल के आते हैं। दे चैटर जॉयफुली एंड पिकअप द बनानाज, वे आपस में बड़े आनंददायक तरीके से बात करते हैं और फिर पिकअप द बनानाज केला उठा लेते हैं। दे स्पॉट नीमा एंड बेब आउट टू हर, और वे नीमा के पास जाते हैं और वो बेब आउट करते हैं। बेब माने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा करते हैं नीमा को। नीमा कम्स आउट ऑफ हर हाइडिंग प्लेस, नीमा अपने छुपने के स्थान से बाहर आ जाती है। सी स्माइल्स एट देम, और नीमा मुस्कुराने लगती है उन्हें देखकर। सडनली देयर टीचर्स मिसेस रंधावा कम्स टू हर, अचानक उनकी टीचर आ जाती हैं जिनका नाम है मिसेस रंधावा, और वो नीमा के पास आ जाती है। मिसेस रंधावा कहती हैं, नीमा डोंट डू दैट, ऐसा नहीं करते। नीमा डोंट डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू फीड मंकीज, तुम्हें इन बंदरों को केले नहीं खिलाना चाहिए था। मोर मंकीज विल कम एंड क्रिएट ए न्यूसेंस, बहुत सारे बंदर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगेगा। तो इस बात को सुनकर नीमा कहती है, बच्चों सॉरी मैम। वो कहती है, मैम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे बड़ा खेद है। तो बच्चों आज हमने सबसे पहले ये जो पाठ आपका है लेसन 1 नीमाज स्माइल, इसको पढ़ा और आपने मेरे साथ टैली किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।